जब आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर अपने पीक पर था, तो उसी दौरान आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़े पैमाने पर कोविड सेंटर बनाए गए, लेकिन इन कोविड सेंटरों की आड़ में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया कई बार इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं, और इसी कड़ी में किरीट सोमैया अपने वकील विवेकानंद गुप्ता को लेकर मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने अपने वकील के जरिए पुलिस को तकरीबन 89 पन्नों वाला अपना शिकायती पत्र सौंपा और कोविड सेंटर घोटाले को लेकर जांच करने की मांग पुलिस से की। इसके बाद सोमैया ने ठाकरे सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। इस दौरान किरीट सोमैया ने कहा कि इस मामले में संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। यही नहीं, सोमैया ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के आशीर्वाद से पाटकर की फर्जी कंपनी को कोविड सेंटर का ठेका दिया गया। ऐसा करके मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमितों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है, ऐसा आरोप लगाया है किरीट सोमैया ने। सोमैया ने आगे यह भी कहा कि बीएमसी कमिश्नर ने 13 ठेके ऐसी कंपनियों को दिए जो अस्तित्व में कभी थे ही नहीं। कथित कंपनियों के फर्जी दस्तावेज बनाए गए और उन्हीं दस्तावेजों को इकट्ठा करने के बाद मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर ने सुजीत पाटकर को कंपनी का ठेका दे दिया। किरीट सोमैया ने यह कहा कि यदि आजाद मैदान पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं करती है और इसमें जांच नहीं करती है, तो वो आजाद मैदान पुलिस स्टेशन के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराएंगे। संजय राउत यांचे पारिवारिक पार्टनर सुजीत पाटकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने कथा पद्धतीने कोविड पेशंटचा जीवाती खेळ करून करोडो रुपयाचा धंदा केला, व्यवसाय केला, याचे सगळे पुरावे यात आहेत। सगळे जी कंपनी अस्तित्वात नाही, बोगस डॉक्युमेंट फोर्ज केलेले आहेत, ते सबमिट करून सुजित पाटकरला मुंबई महापालिका आयुक्तांनी कुणाचा आदेश त्यांना माहीत 13 कॉन्ट्रॅक्ट दिले। पुणे महापालिकेने पीएमआरडीने ब्लॅकलिस्ट केल्यानंतरही कॉन्ट्रॅक्ट दिले। हजारो कोविड पेशंटचे जे नुकसान झाले, कोणी डॉक्टर नाही, नर्स नाही, ते बीएमएसवाल्याला एमडी दाखवलं, तर याच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करावी। ठाकरे सरकारचा मुंबई महापालिकेचा त्या अधिकाऱ्यांनी यांना कॉन्ट्रॅक्ट दिले, अर्ज आलेला नाही आहे, कंपनी अस्तित्वात नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई करावी ही आम्ही अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे। 7 दिवसात यांनी FIR दाखल करावी लागणार, नाही तर आझाद मैदान पोलीस स्टेशनच्या विरोधात आम्ही आझाद मैदान कोर्टात केस फाईल करणार। संजय राऊतने पहिलं ह्याचं उत्तर द्यावं, टाइमपास करणं, नौटंकी करणं बंद करणं। उद्धव ठाकरेंनी आतापर्यंत काय यांच्यावर कारवाई नाही केली? मुख्यमंत्री आहेत का ते? गेले 15 दिवस हे सगळे डॉक्युमेंट रोज देतोय मी, जर किरीट तुम्हाला डॉक्युमेंट खोटे आहेत तर सांगा, हे फोर्जरी आहेत, टाका मला जेलमध्ये, नौटंकी करणं बंद करा। उद्धव ठाकरे साहेबांनी संजय राऊतचे पार्टनर सुजित पाटकरची आतापर्यंत अटक का नाही केली? तुमच्याकडे सगळेच डॉक्युमेंट आहेत, अधिकाऱ्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट कसे दिले? आणि कसल्या कोणाला धमक्या देत आहे तो? किरीट तोमयावर गुन्हे दाखल करू, त्याच्या बायको मेधा तोमयावर गुन्हा दाखल करू, त्याचा मुलगा नील तोमयावर दाखल करू।